हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मन्ना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईसी को रिबॉल हम कैसे करते हैं और आईसी को रिबॉल क्यों करते हैं और क्या क्या जरूरत पड़ेगी और हम उसको कहां से परचेज करें। ठीक है दोस्तों, अभी के जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है, काफी लोगों को जो आईसी निकालने में और लगाने में और रिबॉलिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। निकाल तो बहुत आसानी देते हैं, काफी लोग लगा भी देते हैं, मगर जो उसको रिबॉलिंग करना काफी दिक्कत होता है। रिबॉलिंग करने का टाइम में आईसी टेंसिल में चिपक जाना या पेस्ट पूरे साइड में हो जाना, टेंसिल सफाई करना काफी दिक्कत होता है, काफी मतलब टेंशन होता है, काफी समय लग जाता है उसको करने के लिए। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा, पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। आपको टेंसिल के बारे में भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सा टेंसिल में हम कौन सा ऐसे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आईसी को हम कब चेंज करते हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए और आईसी को हम कब रिबॉलिंग करते हैं ये भी हमको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, अगर आईसी टूट जाएगा, अगर आईसी ब्रेक हो गया, मतलब बीच में से कहीं से साइड में से कॉर्नर से थोड़ा बहुत क्रैक हो गया, डैमेज हो गया, अगर आईसी हीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आईसी को रिबॉलिंग करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको जो है चेंज ही करना पड़ेगा। आईसी को रिबॉलिंग तब किया जाता है बाई चांस फोन कभी हाथ से गिर जाने की वजह से, अंदर के डॉट्स होते हैं ना, वो कभी टूट जाने की वजह से जो उसको रिबॉलिंग नहीं करना पड़ता एक्चुअली। अगर टूट गया तो अंदर को कोई डॉट्स अगर टूट गया, जैसे हमारा फोन कभी डेड हो जाता है गिरने की वजह से, तो हम काफी टाइम के क्या करते हैं, पावर आईसी के ऊपर हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, उसके जो बॉल्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, उसके वजह से जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। किसी किसी फोन में वो जुड़ते नहीं है, अंदर से कोई ट्रैक कट जाता है, नहीं तो जो है पानी जाके कार्बन जैसा जम जाता है, एक एक दो पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे नहीं, एक एक दो दो पॉइंट्स पे कार्बन जम जाता है। उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको डिसवाटर वायर से उसको क्लीन करके उसके बाद में हम रिबॉलिंग करते हैं। तो मेन कारण यही हुआ, अगर उसके बॉल्स अगर बराबर नहीं है तो हम उसको रिबॉलिंग करेंगे, उसके बाद ही हम उस आईसी को लगाएंगे। तो रिबॉलिंग हम इसके वजह से ही करते हो, 90% जो है फोनों में रिबॉलिंग करना नहीं पड़ता, हीटिंग से ही काम हो जाता है। जब हीट से नहीं होगा तो लास्ट में हमको आईसी को रिबॉलिंग करना पड़ता है। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, गलत हीट दे देते हैं, गलत तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं, तो लास्ट में जो है आईसी को चेंज ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप आईसी को कितना हीट पे निकाल सकते हैं और आपको कितना हीट देना है, कितना एयर देना है, आप इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने ये वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो उतना कैमरा की क्लैरिटी तो है नहीं। मैं उम्मीद किया हूँ कि कोशिश भी किया हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाने का कोशिश करूँ और समझाने का कोशिश करूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए जो मेन मेन जगह है मैंने वही आप लोगों को बताया है। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इसका जो है आईसी को मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक कौन सा पुराना डेड मोबाइल था, उसमें से मैंने आईसी को निकाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अगर जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो नए बोर्ड में, रनिंग बोर्ड में करने मत जाइएगा, पहले पुराने बोर्ड में अच्छे से एक दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हाथ बराबर हो जाएगा तो अब तब आप जाके रनिंग बोर्ड में ट्राई कीजिएगा, ठीक है, चालू बोर्ड में। तो मेरे पास तो फिलहाल कोई है नहीं क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ आईसी को रिबॉलिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईसी को एकदम परफेक्ट निकाल दिया है। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाने का कोशिश करूँगा कि अगर आप दोस्तों जब हीट करने के टाइम में अगर आप आईसी को हिलाएंगे नहीं तो नीचे का जो पीसीबी में जो इसके डॉट्स हैं वो कभी भी एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने निकालने के टाइम में आईसी को हिला दिया, शेक कर दिया, तो आपके जो पीसीबी में जो पॉइंट्स है, देख सकते हैं ये जितने भी पॉइंट्स है, ये शॉर्ट होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तो आप निकालने के टाइम में आईसी को हल्का सा शेक करके निकालेंगे तो आपके एक भी डॉट्स जो है शॉर्ट नहीं होगा। तो आपको डिसोल्डिंग आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा नीचे वाले प्लेट में। अगर आपने उसको निकालने का टाइम में अगर आपने उसको हिला दिया आईसी को, तो आपको डिसोल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि एक दूसरे से अटैच हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो हमने इसको बहुत आराम से अच्छे से निकाला है जिसके वजह से कहीं पे भी एक दूसरे से शॉर्ट नहीं, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। आईसी के भी बॉल परफेक्ट हैं और पीसीबी में जो इसके पॉइंट्स है एकदम परफेक्ट है, एक दूसरे से कहीं पर भी अटैच नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जहाँ पे हम आईसी को क्लीन करेंगे और वहाँ से हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो हम आईसी को
रिसॉल्व करेंगे, मतलब इसको इसका जो ऊपर में इसका जो पेस्ट लगा हुआ है हम इसको फटाफट साफ़ कर लेंगे। ठीक है, आप इसको डिसोल्डिंग वायर से जो है आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसी को ऊपर पेस्ट लगाना है और डिसोल्डिंग वायर से जो है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको बहुत फटाफट साफ किया है। अगर आपके पास आईसी पकड़ने वाला क्लैंप रहेगा, मतलब हम जिससे हम आईसी को पकड़ के जो साफ़ कर सकते हैं, जिससे हम मदरबोर्ड के प्लेट्स निकालते हैं, आप चाहे तो उससे भी आईसी को पकड़ के साफ़ कर सकते हैं। मैंने छोटा सा टेप लगाया है, उसके मदद से जो है मैंने अच्छी तरीके से इसको साफ़ किया है। एक्चुअली मैं टेप यूज़ नहीं कर रहा था, मगर ये ज़्यादा स्लिप हो रहा था क्योंकि नीचे पेस्ट लग गया, तो इसके लिए मैंने टेप लगाया और इसको मैंने जल्दी जल्दी इसको क्लीन किया है, मतलब अच्छे से डिसोल्डिंग किया है। उसके बाद में इसको जो है आईपी से मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है एकदम परफेक्टली साफ़ हो चुका है। अभी हम टेंसिल से जो है इसको रिबॉलिंग करेंगे। दोस्तों आपको टेंसिल जो है मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो मेरे वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट है, आपको कौन कौन सा टेंसिल परचेज करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन के जो हैं टेंसिल लीजिएगा, आईफोन के उतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता होगा। अगर आपके अंडर में अगर आईफोन के ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं तो आप आईफोन के टेंसिल ले सकते हैं, तो आप एंड्रॉयड का ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। उसमें से जो होता है मीडियाटेक का, क्वालकॉम का सबसे ज़्यादा आता है, तो आप मीडियाटेक का लीजिएगा, क्वालकॉम का लीजिएगा, तब तो कम से कम 1500 के अंदर में सारे टेंसिल आ जाएंगे एंड्रॉयड के। मैं उम्मीद करता हूँ कितने के अंदर में आपको आ जाएंगे, चाहे तो आप ऑनलाइन में परचेज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपके मार्केट में अगर कहीं पर मिलता है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आईसी को जो है टेंसिल में लगाना बहुत इजी है। ठीक है, आईसी को मैंने टेंसिल पे लगा के उसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया है। ठीक है, टेप मैंने लगा दिया है जो इसको परफेक्ट से बिठा के टेप लगाना है। दोस्तों अगर आपका आईसी छोटा है तो आपको बड़े जगह पे आईसी को, सॉरी टेंसिल का अगर आपके पॉइंट छोटे हैं तो आईसी को आप बड़े जगह पे मत लगाइएगा। उससे क्या होगा, आपका जो है पूरा जो पेस्ट है वो साइड साइड में बिखर जाएगा, तो उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब आप ऐसे निकालने जाएंगे उस टाइम में जो है आपका ऐसे निकलेगा नहीं, एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। और एक आप बात को ध्यान रखना, आईसी को कभी भी एक लास्ट में, सबसे लास्ट में रखना है। देखिए जैसे मैंने एक साइड में ही रखा है और एक साइड में उसका गैप है। ठीक है, देखिए ऊपर का साइड में दो साइड गैप है और पूरे मैंने नीचे सटा के रखा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है रिबॉलिंग एकदम परफेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आईसी छोटा हो गया और यहाँ पे जो है इसके जो है रिबॉलिंग प्लेट बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होगा ना, साइड साइड में पूरा जो आपका लाइट घुस जाएगा और जिससे क्या है आपको आईसी निकालने में प्रॉब्लम होगा, रिबॉलिंग भी परफेक्ट नहीं होगा। तो आप आईसी को जिस हिसाब से आईसी होगा उसी हिसाब से आप प्लेट यूज़ कीजिएगा। ठीक है, छोटा प्लेट, जैसे जितना छोटा आईसी होगा उतना छोटा साइज में आपका, मतलब आपका टेंसिल का प्लेट भी उतना छोटा होना चाहिए और आपको रिबॉलिंग उसी के ऊपर करना है और एकदम सबसे डेड एंड से शुरू करना है, सेंटर में भी रखना नहीं है, पूरा लास्ट कॉर्नर से लेके उसको चिपकाना है। मतलब बीच में कहीं पे सेंटर में लगा दिया, चारों कॉर्नर गैप हो गया, ऐसा नहीं किसी एक कॉर्नर कवर करो बाकी एक साइड गैप हो गया, तो क्या होगा आपका थोड़ा जो है पीपीडी पेस्ट जो है बच जाएगा। तो मैं इसके ऊपर अभी पीपीडी पेस्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट लगा दिया, आप अच्छे से इसको पीपीडी पेस्ट लगा दीजिएगा। इसके ऊपर जितने भी सारे इसके डॉट्स हैं, मतलब इसके पॉइंट्स हैं, सभी में एक पेस्ट जाना चाहिए। तो मैं ब्लेड के मदद से जो है इसको मैं लगा रहा हूँ, तो ब्लेड से आप लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा। अगर हाथ से भी लगाएंगे तो उंगली से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसको कीजिए, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, किसी भी चीज़ में दिक्कत ही नहीं आएगा। आप इजीली ब्लेड से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप उंगली से करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम पीपीडी पेस्ट लगाने के बाद में, पूरा कंप्लीट करने के बाद में, हम इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट दे देंगे, मामूली शोल्डर पेस्ट जो होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो प्रॉपर जो है बॉल जो है इसके ऊपर बैठेगा, मतलब अच्छे से बॉल बनेगा। मैं यहाँ पे जो हल्का सा पहले कपड़े को साफ करके और इसके ऊपर जो है मैं ये थोड़ा सा पेस्ट दे देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट दे दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है कवर कर देता हूँ, इसके ऊपर पहुँच देता हूँ। इससे क्या होगा ना, हमारा जो है जब हम हीट करेंगे तब तो हमारा जो है बॉल जो है परफेक्ट होंगे। ठीक है, आप चाहे पीपीडी कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तीन रकम चार रकम का पीपीडी आते हैं, एक तो पाउडर के नहीं आते हैं,
मिक्सचर टाइप में लिक्विड में आता है, पेस्ट के हिसाब में भी आता है एक दो टाइप, तो आप जिस हिसाब में चाहे उस जिस टाइप में चाहे उस टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ड्रॉइंग में कि कोई ड्रॉइंग का ही हो तो अच्छा हो, क्योंकि आप चाहे तो कोई सा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने हीट को फिलहाल अभी 300 पे रखा है, ठीक है, और एयर को मैंने 1 पे रखा है, कम से कम एयर देना है, ज़्यादा एयर हमको नहीं देना है। ज़्यादा एयर देंगे तो इसके जो लेड्स हैं जो है वो बाहर आ जाएगा, पीपीडी मतलब बाहर आ जाएगा, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो फिर बाद में आईसी निकालने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, फिर से आपको उसको आईसी को रिसॉल्व करने के लिए फिर से आपको रिबॉलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हीट आपको 300 देना है और आपको जो है एयर को 1 पे रखना है, 1 या 1.5 पे रखेंगे तो आपका जो है प्रॉपर बल्ब बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाने के लिए अच्छे तरीके से मैंने इसको जूम किया हुआ है, मेरा मतलब कैमरा में जितना है उतना अच्छे से मैंने जूम किया हुआ है, और इसको हमें एक कॉर्नर से इसको हीट करूँगा, ठीक है। पूरे साइड से खड़ा करके आपके मतलब ये SMD को पूरा खड़ा करके गन को हीट नहीं करना, एक कॉर्नर से हीट करके लेके जाना, एक साइड से उसको हीट करके लेके जाना है। देखिए मैं एक साइड से उसको जो है हीट करके लेके जाऊँगा, एक साइड से अगर हीट करेंगे तो बॉल जो है बराबर बनेगा, और आपको ज़्यादा दबाना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से दबाना है, जिससे जो हमारे जो टेंसिल है वो बेंड ना हो, बस हमको ये ध्यान रखना है। देखिए मैं कितना दूर से उसको हीट मार रहा हूँ, उसके पास तक भी नहीं लेके जा रहा हूँ, काफ़ी दूर से जो है मैं उसको हीट दे रहा हूँ। बस दोस्तों मैंने इतना सा हीट दिया जिससे हमारे बॉल्स देख सकते हैं ना ऊपर आए हैं, एकदम परफेक्ट साइज में बैठ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से ट्विस्टर हटा देते हैं, आपने देखा कि मैंने एकदम साइड से हल्का सा हीट दिया, टेंसिल हल्का सा बेंड हुआ, बाद में हम उसको छोड़ दिए, ठीक है। अभी हम इसको ऊपर पेस्ट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेस्ट देते हैं, जिससे जो है इसके बॉल नीचे तो जा चुके हैं ऑलरेडी, और थोड़ा अच्छे से उसको ऊपर पेस्ट डाल देंगे तो ईजीली जो है हम निकालने का टाइम जो है आराम से निकल जाएगा। तो हम इसको ईजीली अब इसको निकाल के देखेंगे, तो निकाल के हम एक बार देखेंगे कि इसका जो है ये हमारा जो आईसी रिबॉलिंग जो है परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हम एक बार देखेंगे। इसके कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा जो है लेड मतलब लगा हुआ है, ठीक है, पीपीडी पेस्ट जो है लगा हुआ है, हम उसको हटा देंगे, और इसके ऊपर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आईसी के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट दे के फिर से एक बार इसको हीट करेंगे, जिससे ये क्या होगा हमारा जो है मतलब जो पॉइंट्स है जो डॉट है वो आपस में कहीं अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो एकदम सीधा हो जाएगा और अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार हल्के से थोड़ा सा हीट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे टेप के इसके ऊपर ही कर लेता हूँ, टेप के ऊपर ही मैं इसको, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है आईसी रिबॉलिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता नहीं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है शायद, क्योंकि मेरा कैमरा तो उतना खास है नहीं, फिर भी मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं हमारे आईसी जो एकदम परफेक्टली जो है रिबॉल हो चुके हैं, जहाँ जहाँ उसके गैप हैं वहाँ वहाँ वैसे गैप उसके एकदम परफेक्ट हैं, मतलब बॉल जो है एकदम परफेक्ट से रिबॉलिंग हुआ है, हाइट भी बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत आसान है दोस्तों। जितना हम उसको मुश्किल समझेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा हमारे लिए करने के लिए, कभी मतलब अंदर से हिम्मत आएगी नहीं कि हम उसमें काम करें। एक दो बार आप करते रहिए, देखिए आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा और एकदम मामूली काम हो जाएगा। तो आईसी निकाल के लगाना कोई बड़ा काम है नहीं, बहुत ही ईजी काम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरा बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा नेटवर्क प्रॉब्लम के रिलेटेड के बारे में।